सो सेकेंड ईयर फिजिक्स पास पेपर्स में 2019 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, और पहला जो न्यूमेरिकल था वो था क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू। इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम ऑफ रेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 88 और एटॉमिक मास है 226, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम गिवन है 2.66 × 10^21, एंड इट डीकेज विद अ हाफ लाइफ ऑफ 1622 ईयर्स, और उसकी हाफ लाइफ गिवन है। फाइंड द डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट पता करना है, लैम्डा पता करना है, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, और वैल्यू गिवन है कि एक एयर के अंदर 3.15 × 10^7 सेकेंड्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बुक का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम है, एन बराबर है 2.66 × 10^21 एटम्स। अच्छा जी, हाफ लाइफ गिवेन है जिसे हम टी हाफ से शो करते हैं, 1622 ईयर्स, ठीक है इतने ईयर्स के बराबर है, लेकिन हमें तो सेकंड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.15 × 10^7 से, तो आंसर आएगा 5.1 × 10^10 सेकेंड्स, यानी कि हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। नाउ डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है वो मालूम करना है, और एक्टिविटी ऑफ द सैंपल जिसे हम ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से, वो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले टी बराबर होता है टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ बराबर होती है 0.693, जो एल एन टू की वैल्यू है, डिवाइड बाय लैम्डा। अब क्लियरली यहाँ पे हाफ लाइफ पता कर गिवन है और हमें डीके कांस्टेंट पता करना है, तो एक ही फॉर्मूला है जिसमें हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट दोनों आ रहे हैं, और वो यही है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। रीअरेंज करेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं टी हाफ की, तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 5.10 × 10^10, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करी थी सेकेंड्स में। सो लैम्डा का हमारे पास आंसर आ जाएगा, लैम्डा बराबर आएगा 1.36 × 10^-11 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है, बिकॉज इसका यूनिट जो है वो सेकेंड था, ऊपर वाली वैल्यू का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ओके, नाउ एक्टिविटी की बारी है, तो एक्टिविटी बराबर होती है लैम्डा इनटू एन, लैम्डा हम लोगों ने अभी भी मालूम करा है और एन गिवन था, मल्टीप्लाई कराएंगे 1.36 × 10^-11, जो कि हमारी वैल्यू थी लैम्डा की, और एन 2.66 × 10^21, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 × 10^10 एटम्स डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड। एक्टिविटी का यही मतलब होता है कि हर सेकेंड के अंदर कितने एटम्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो यूनिट भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कि भाई इतने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं हर सेकेंड में। तो रिजल्ट मेंशन करेंगे, तो रिजल्ट भी ऐसे होगा कि पहले आप डीके कांस्टेंट मेंशन कर दें, 1.36 × 10^-11 सेकेंड इनवर्स, और फिर एक्टिविटी ऑफ द सैंपल लिख दें 3.6 × 10^10 एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थ्री, एक कॉइल है 400 टर्न्स इन एन एसी जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर, यानी कि यहाँ पे बात हो गई अल्टरनेट करंट जनरेटर की, तो एक ही फॉर्मूला है अल्टरनेट करंट जनरेटर का, उसी को इस्तेमाल करना है। पहले बाकी का डेटा देख लो, हैविंग एन एरिया ऑफ एरिया गिवन है 0.1 m² इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 50 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 50 टेस्ला, तो हम चाहते हैं कि हम जनरेट करें इलेक्ट्रिक करंट कितना 220 वोल्ट, मैक्सिमम करंट जो हम जनरेट करना चाहते हैं वो 220 वोल्ट है। सो हाउ फास्ट इज द कॉइल टू बी रोटेटेड, कितना तेजी के साथ हम रोटेट करें उस कॉइल को, और अपना आंसर एक्सप्रेस करना है इन रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये एक्स्ट्रा काम है जो कि हमारी बुक के अंदर नहीं था, बाकी ये क्वेश्चन मिलता जुलता है काफी हद तक बुक से। नंबर ऑफ टर्न्स एन से शो करते हैं, 400 टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल ए 0.1 m², मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि 50 टेस्ला होती है, मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ उसको ई नॉट से शो करते हैं, जो कि आ जाता है 220 वोल्ट जो कि गिवन है, और एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली हमें मालूम करनी है और वो होती है ओमेगा, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ओमेगा मालूम करना है बेसिकली हमने। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज इज गिवन बाय, जो अल्टरनेट करंट जनरेटर में मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला है, एन ए ओमेगा बी, एन नंबर ऑफ टर्न्स एरिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ई नॉट 220, नंबर ऑफ टर्न्स 400, एरिया 0.1, ओमेगा मालूम करना है, और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी 50 टेस्ला है। रीअरेंज करेंगे तो 220 डिवाइड बाय ये पूरी वैल्यू यानी कि 220 डिवाइड बाय 2000, ये आंसर आएगा 0.11 रेडियन पर सेकेंड। याद रखिए जो एस आई यूनिट है ना ओमेगा का, वो रेडियन पर सेकेंड है, बट क्योंकि एक्स्ट्रा मेंशन है तो जाहिर सी बात है उसके मार्क्स हैं कि हमें आंसर चाहिए रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। अब याद रखिए, एक हमें अगर रेवोल्यूशंस का आंसर चाहिए तो हमें इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा कि भाई एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं, तो याद रखिए एक रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं 2π रेडियन, अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करें या एक रोटेशन की बात करें,
तो याद रखिए वन रोटेशन हैज 2π रेडियन, तो एक रोटेशन के अंदर अगर 2π रेडियन है तो भाई बात यह है कि अब जो आंसर हमें चाहिए वो हमें आंसर किस में चाहिए, वो आंसर हमें चाहिए रेवोल्यूशन में। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें वैल्यू चाहिए रेवोल्यूशन की, तो फिर डिवाइड बाय 2π करेंगे ताकि आंसर आ जाए रोटेशंस पर सेकंड में या रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो हमें चाहिए रोटेशंस में। सो रेडियन को कन्वर्ट करना है रोटेशंस में, डिवाइड बाय 2π कराएंगे। ओके तो आंसर आ जाएगा 0.11 डिवाइड बाय 2π, 2π होता है 6.28 यानी कि 2 × 3.15, तो वो जाएगा 0.15 रोटेशंस पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्योंकि मेंशन था तो हमने लाजमी कन्वर्ट करा उसको रेवोल्यूशंस या रोटेशंस पर सेकेंड में, और रिजल्ट भी ऐसे लिखेंगे द क्वाइल शुड बी रोटेटेड एट 0.15 रोटेशंस पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैशन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन मालूम करनी है ऑफ पैशन सीरीज, और आर एच यानी कि रेडबर्ग कॉन्स्टेंट हमें गिवन है 1.09710⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है जी। तो डेटा में क्लियरली सीरीज का नाम आ गया पैशन सीरीज, और जैसे ही हमें सीरीज पता लगती है तो उस समय पता लग जाता है कि फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, और जो सीरीज है लेमन है, बाल्मर है, पैशन है, ब्रैकेट है, और पॉलीफंड सीरीज है यानी कि पी फंड सीरीज है। तो इस सीरीज को याद रखेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, लेमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, तो पैशन के लिए फाइनल ऑर्बिट 3 के बराबर होगा। तो हमने NF नोट कर लिया कि भाई NF तो 3 है। अब हमें थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन पता करनी है, ठीक है ना। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन क्या है उसको भी मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको याद रख लो। देखो फाइनल ऑर्बिट तो हमें कन्फर्म पता है कि फाइनल ऑर्बिट कितना है, फाइनल ऑर्बिट हमें पता है कि जो NF है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए बराबर 3 के। अब क्योंकि हमें फाइनल ऑर्बिट पता लग गया ना, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनिशियल ऑर्बिट कौन सा होना चाहिए। तो अब इनिशियल ऑर्बिट पहली वाली लाइन कब इमिट होगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा चौथे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, ठीक है, ये हमारे पास चौथा वाला ऑर्बिट है। अच्छा सेकंड लाइन जो बनेगी स्पेक्ट्रल लाइन वो कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा पांचवें ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में। पैशन सीरीज के अंदर दूसरी लाइन तब बनती है जब जंप करेगा फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा छठे ऑर्बिट से, ठीक है ना, ये हमारे पास छठा ऑर्बिट है, ये पांचवा ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा छठे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, तब जाके वहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। इस वजह से मैंने इनिशियल ऑर्बिट कितना लिखा है, इनिशियल ऑर्बिट लिखा है मैंने 6, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन तब बनती जब चौथे से जंप करता, सेकंड तब बनती जब फिफ्थ से जंप करता, और थर्ड कब बनेगी, जब वो जंप करेगा सिक्स ऑर्बिट से। तो इस लॉजिक को हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी सीरीज गिवन हो, RH गिवन है, वेवलेंथ मालूम करनी है, तो फॉर्मूला तो सिंपल सा है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH, 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है 1.09710⁻⁷, 1 अपॉन फाइनल ऑर्बिट 3 है और इनिशियल ऑर्बिट था 6, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 9 और 1 अपॉन 36 एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1 अपॉन 12, 1.09710⁻⁷ एज इट इज। ये जो आंसर है ना, ये 1 ओवर लैम्डा का आ रहा है, जबकि आंसर हमें किसका चाहिए, आंसर हमें चाहिए लैम्डा का। तो रेसिप्रोकल करेंगे 12 ऊपर और नीचे 1.09710⁻⁷, तो आंसर आ जाएगा 1.01 × 10⁻⁶ मीटर्स। ये है वो वेवलेंथ जो कि इमिट होगी, जिसका ताल्लुक है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैशन सीरीज, ठीक है। तो मेंशन भी इसी तरीके से करेंगे, द वेवलेंथ ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 1.01 × 10⁻⁶ मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, एक आयरन बार है आयरन का और उसका एरिया गिवन है 2 cm × 2 cm, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन है एंड 20 cm लॉन्ग और उसकी जो लंबाई है वो 20 cm गिवन है। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, हमें उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है एट 500 °C, और हमें अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 0.0052 केल्विन इनवर्स, और रेजिस्टिविटी गिवन है 11.8 ohm-m। अब यहाँ पे एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अल्फा और रेजिस्टिविटी क्योंकि गिवन है तो इसका मतलब यह है कि हमें फॉर्मूला पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और फिर रेजिस्टेंस मालूम करनी है, डेटा भी ऐसे ही नज़र आ रहा है, और कम से कम अल्फा और रॉ से तो आप समझ ही जाओगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी का टॉपिक और टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है ना वो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनके कॉन्स्टेंट्स गिवन है,
ठीक है ना। तो ये एक टेक्निक हो सकती है, ट्रिक हो सकती है जिसे आप याद रख सकते हो। डेटा बना लेते हैं पहले, एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड बाई 100 कराएंगे तो 0.02, इसको डिवाइड बाई 100 कराएंगे तो 0.02, और क्योंकि एरिया मालूम करना है दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बराबर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ बार जिसे एल से शो करेंगे वो है 20 सेंटीमीटर, इसको भी डिवाइड बाई 100 कराएंगे ताकि मीटर्स में आए तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। फिर जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो हम चेंज मेजर करते हैं वो चेंज हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्योंकि चेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर किया जा रहा है, यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो एक्चुअली बराबर होगा फाइनल टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो याद रखना है इस टॉपिक के अंदर जो डेल्टा टी है एक्चुअली उसको हम सिर्फ और सिर्फ किसे शो करते हैं, उसको सिर्फ हम लोग टी से ही शो करते हैं, और वो कितना गिवन है, वो गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी है एक्चुअली, तो ये डेल्टा टी ही है जिसका सिंबल हम टी लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस से नाप रहे हैं, इस वजह से हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या केल्विन भी लिख सकते हैं। तो 500 केल्विन टेम्परेचर चेंज आ रहा है या 500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। और एक्चुअली मालूम क्या करना है हमें, रेजिस्टेंस मालूम करनी है टी डिग्री सेल्सियस, और टी कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जैसे फिलहाल कितना 500 डिग्री सेल्सियस है जिसको हम शो कर देते हैं आर टी से। अच्छा, आर टी मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी, जिसके लिए रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक को यूज़ करेंगे। सो आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस मालूम करनी है, रॉ भी गिवन है, एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, 11 एक्सपोनेंट 8, लेंथ 0.2 और एरिया 4 एक्सपोनेंट -4, तो आंसर आ जाएगा 0.055 ओम्स। ये हमारे पास एक्चुअल रेजिस्टेंस आ गई है। अब एक्चुअल रेजिस्टेंस से किसी खास टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक है। आर टी इज इक्वल टू आर 1 प्लस अल्फा टी होता है। आर एक्चुअल रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग मालूम कर चुके हैं, अल्फा गिवन होता है 0.0052, और जिस टेम्परेचर पे पता करना है यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस पे पता करना है। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई बाय 0.055, तो आंसर आ जाएगा 0.198 ओम्स। ये है, ये होगी उस रेक्टेंगुलर बार जो कि आयरन का बना हुआ था उसकी रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ बार एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 0.198 ओम्स। तो रिजल्ट आमतौर पे इसी तरीके से बस सिंपल वर्डिंग के अंदर मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, दो कैपेसिटर्स हैं 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड, और वो कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में एक बैटरी के साथ जो कि 40 वोल्ट बैटरी है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन दीज कैपेसिटर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। चार्ज पता करना है हर एक कैपेसिटर पर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, यानी कि दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। तो क्योंकि हमने इसको सीरीज में जोड़ा है ना, तो जितना भी चार्ज इस बैटरी से निकलेगा, फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो C1 से भी गुजरेगा, वही सारा का सारा चार्ज जो है वो C2 से भी गुजरेगा। तो ये बात तो मालूम रखनी है कि भाई सीरीज के अंदर जो चार्ज है वो तो सेम रहता है, तो जितना टोटल चार्ज होगा वही C1 के पास जाएगा, वही C2 के पास जाएगा, बट जो वोल्टेज है वो इस केस के अंदर चेंज हो जाता है। जो वोल्टेज होता है अक्रॉस C1 वो अलग होता है और वोल्टेज अक्रॉस C2 अलग होता है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको लाजमी तौर पे समझनी पड़ेगी ये बात कि चार्ज सेम रहता है और जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, डेटा बना लेते हैं, C1 2 माइक्रोफेराड, दूसरा कैपेसिटर C2 4 माइक्रोफेराड, वोल्टेज 40 वोल्ट के बराबर है, और हमें मालूम करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर यानी कि Q1 और Q2, और इसके साथ साथ हमें वोल्टेज मालूम करना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर जिसको हम नाम दे देंगे V1 और V2 का। अच्छा, तो नेट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/C बराबर होता है 1/C1 + 1/C2। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2 + 1/4 यानी कि 3/4, और क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 4/3, यहाँ का रेसिप्रोकल होगा 4/3 जो कि होता है 1.33 माइक्रोफेराड, क्योंकि 2 भी माइक्रोफेराड में रखा था, 4 भी माइक्रोफेराड में रखा है तो माइक्रो ही लिखना पड़ेगा। और अब क्योंकि हमें बाकी कैलकुलेशन करनी है तो बेटर ये है कि आप अभी के अभी माइक्रो को कन्वर्ट कर लें, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, ठीक है। तो ये माइक्रोफेराड से फेराड में चले गए 1.33 10⁻⁶ फेराड।
अच्छा जी, अब सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो टोटल चार्ज होगा वही Q1 होगा, वही Q2 होगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर्स के पास जाएगा। सो Q इज इक्वल टू सी वी, टोटल कैपेसिटेंस आई थी 1.33 एक्सपोनेंट माइनस 6, और टोटल वोल्टेज गिवन था हमें 40 वोल्ट के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 5.33 10 रेस टू द पावर माइनस 6 कूलम्स। तो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में Q1 Q2 Q के ही बराबर होगा, और दोनों ही आ जाएंगे 53.3 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, ये 53.3 आंसर आएगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। Q1 Q2 दोनों के दोनों बराबर आएंगे, 53.3 10 रेस टू द पावर माइनस 6 कूलम के बराबर। और जैसे ही चार्ज आ गया तो अब हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, V को अलग करेंगे तो Q अपॉन C के बराबर आएगा, और चार्ज मैंने बताया कितना 53.3 एक्सपोनेंट माइनस 6, और C1 था 2 एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 माइक्रो की वैसे लिखा है, 2 माइक्रो फेराड था, तो माइक्रो का मतलब माइनस 6। सिंप्लीफाई करने के बाद, कैंसिलेशन के बाद 26.65 वोल्ट आंसर आ जाएगा। और जो दूसरा वोल्टेज है वो मालूम कर लेते हैं, तो उसके लिए आंसर बनेगा Q अपॉन C2। तो Q अपॉन C2 बराबर आ जाएगा 53.3 10 रिस पावर माइनस 6, सेम है, और C2 आ जाएगा, C2 होता है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, जो कि आ जाएगा 13.31 वोल्ट। और याद रखिए, इन दोनों का सम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए, और जो आ भी रहा है 40 वोल्ट। ठीक है ना, तो अगर कभी भी सॉल्व करो न्यूमेरिकल तो चेक कर लेना कि भाई सही आंसर आया कि नहीं आया, पता लग जाता है जो दोनों वोल्टेजेस हैं उनका सम बराबर होगा टोटल वोल्टेज के। सो चार्ज इन ईच कैपेसिटर 53.3 एक्सपोनेंट माइनस 6, और वोल्टेज अक्रॉस C1 26.65, एंड वोल्टेज अक्रॉस C2 इज 13.31 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है। चेंज इन वॉल्यूम पता करना है, यानी कि डेल्टा वी रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 0.4 मीटर, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, क्योंकि 0 से 100 है तो चेंज आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और वही केल्विन में भी होता है, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू द चेंज इन केल्विन, और अल्फा की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम वो है 24 एक्सपोनेंट माइनस 8 केल्विन इनवर्स के बराबर। तो सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो डेल्टा वी बराबर होता है बीटा वी डेल्टा टी, रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता, ये हो गए हमारी इक्वेशन नंबर 1, ना ही हमें बीटा पता है क्योंकि अल्फा तो पता है एल्यूमिनियम का, बीटा नहीं पता, और ना ही हमें एक्चुअल वॉल्यूम पता है। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन है। तो पहले बीटा निकाल लेते हैं, बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, अल्फा है 24 एक्सपोनेंट माइनस 8, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 72 एक्सपोनेंट माइनस 8 आ जाएगा, बीटा आ गया। नाउ अब हमें गिवन है एक एल्यूमिनियम स्फीयर, तो क्योंकि वो स्फीयर है तो वॉल्यूम हमें एक्चुअल चाहिए रेडियस की मदद से, तो फॉर्मूला ऑफ स्फीयर चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो वैल्यूज पुट कर देंगे आर की जगह, 0.4 का क्यूब और पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअल वॉल्यूम मिलेगा 0.268 मीटर क्यूब। अब जो बीटा मिसिंग था वो भी आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम भी आ गया, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए वैल्यूज को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा 72 एक्सपोनेंट माइनस 8, फिर ये आ गई वैल्यू ऑफ वी, और ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर, तो आंसर आ जाएगा 1.92 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम स्फीयर में चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर वो 1.92 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के बराबर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15 यानी कि लास्ट, What will be the velocity and momentum of a particle whose rest mass is m naught and kinetic energy is equal to twice of its rest mass energy? Velocity or momentum पता करना है एक particle का जिसका rest mass m naught है और kinetic energy twice है उसके rest mass energy के। ऐसे ही question हमारी book में भी है, but twice नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे सिर्फ equal लिखा हुआ है। बहरहाल थोड़े से change के साथ solve तो वैसे ही होगा। Rest mass m naught के बराबर है, kinetic energy twice of rest mass energy जिसे हम e naught से show करते हैं उसके बराबर है, और बाकी V हमें मालूम करना है और P यानी के मोमेंटम मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में रेस्ट मास एनर्जी को ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब गिवन क्या है, गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है ट्वाइस ऑफ ई नॉट के, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम ट्वाइस ऑफ ई नॉट पुट कर सकते हैं, तो 2E0 + 1E0 ये हो जाएगा 3E0। अच्छा जी, अब आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन, E बराबर होता है MC² के और E0 बराबर होता है M0C² के।
ठीक है, तो पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी कि एम बराबर है थ्राइस ऑफ एम नॉट के। ठीक है जी, अब सिंप्लीफाई करने के लिए एम का फॉर्मूला पुट करेंगे, एम खुद बराबर होता है एम नॉट ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो एम की जगह पर एम की वैल्यू आ सकती है, तो हो जाएगा एम अपॉन एम की जगह पर आ जाएगा एम नॉट ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू इधर चली जाएगी या रेसिप्रोकल कर सकते हैं और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इधर आके थ्री हो जाएगा वन अपॉन थ्री जो कि मैंने इधर लिख दिया, और बाकी ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जाहिर सी बात, हमें वी चाहिए तो वो रूट के अंदर है, रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर नाइन, या वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा वन माइनस वन ओवर नाइन के। ठीक है, समझ लो कि ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो गई और वन ओवर नाइन इस तरफ जाकर हो गया माइनस, तो वन माइनस वन ओवर नाइन ये होता है बराबर एट ओवर नाइन के, और वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एट अपॉन नाइन सी स्क्वायर। अब इस वैल्यू में हमें वी की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो टू का स्क्वायर रूट होता है टू अंडर रूट टू। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ही एट का स्क्वायर रूट आएगा तो टू अंडर रूट टू आएगा, और नाइन का स्क्वायर रूट तो आपको पता है थ्री के बराबर होता है, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ सी आ जाएगा और वी का स्क्वायर रूट भी सिर्फ वी आ जाएगा, तो बनेगा हमारे पास वी इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू ओवर थ्री इंटू सी। ये आ गए हमारे पास वेलोसिटी, जिसकी मदद से अब हम निकालेंगे मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम हमें पता है कि एम नॉट वी के बराबर होता है, तो एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट कर दी एम नॉट एज इट इज़, और बाकी वी की जगह पे पूरी वैल्यू आ गई, पूरी वैल्यू क्या है सी, ये टू अंडर रूट टू ओवर थ्री। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी वी जो कि टू अंडर रूट टू ओवर थ्री सी है, और मोमेंटम जो है वो टू अंडर रूट टू ओवर थ्री एम नॉट सी के बराबर है।